क्या हम लोकतांत्रिक देश में हैं? चुनाव युद्ध से जीता जाता है या मतदाताओं की पसंद से? मतदाताओं के विचारों के खिलाफ भी कोई चुनाव जीता जा सकता है? ये सवाल भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शायद ही किसी के मन में आए, लेकिन आम चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। सत्ताधारी टीएमसी के नेता इन दिनों केंद्र सरकार के खिलाफ तो आग उगल ही रहे हैं, उनके निशाने पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी आ गए हैं। चकदाह से टीएमसी विधायक रत्ना घोष का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो केंद्रीय बलों के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं को भड़काते हुए दिख रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए रत्ना घोष ने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी में तैनात जवानों से डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी ध्यान रखें कि हमें ये युद्ध जीतना है और ये लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। युद्ध के लिए आप जो चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं, सब कुछ जायज है। मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2016 के चुनाव में केंद्रीय बलों के हाथों पिटते हुए देखा है, लेकिन अब जब भी हमें रोकने की कोशिश करें तो महिला कार्यकर्ता, नेता और कार्यकर्ता झाड़ू से उनकी पिटाई करें। रत्ना घोष अकेली टीएमसी नेता नहीं है जो इन दिनों केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान दे रही हूं। टीएमसी के अधिकांश नेताओं की जुबान पर इन दिनों केंद्रीय सुरक्षा बलों का नाम है। टीएमसी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने भी सुरक्षा बलों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक रैली में कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय बल आएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वे कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें बख्शे नहीं, हम वहाँ हैं। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 2 सीटों कूच बिहार और अलीपुर द्वार में पहले दौर में मतदान हो चुका है। इस दौरान कई स्थानों से हिंसा की खबरें भी आईं। कूच बिहार सीट पर तो बीजेपी ने 297 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग भी की। इसके साथ ही अगले चरण में हर बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग चुनाव आयोग से की गई है। टीएमसी के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो डराने वाला है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।